भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 2nd और इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। तो इसमें हम 1920 और 1920 के दशक के बाद की जो घटनाएं हैं उसको हम समझने वाले हैं और इस समय को हम अक्सर गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। और भारत में आपको पता है कि भाई राष्ट्रवाद के उदय में गांधी जी का कितना ज़्यादा योगदान रहा। तो हमने राष्ट्रवाद का मतलब ऐसे पिछले चैप्टर में हमने समझ लिया था, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम भावना दिखाना है ना, अपने देश को लेकर गर्व महसूस करना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के आखिरी टॉपिक में हमने समझा था साम्राज्यवाद के बारे में, साम्राज्यवाद के तहत ब्रिटेन या फिर यूरोप के जो और दूसरे देश थे उन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, अपने देश की सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी बहुत सारी कॉलोनियाँ बनाई, बहुत सारे देशों को उन्होंने गुलाम बनाया, जिसमें से इंडिया भी आपका एक था, है ना, हमारा इंडिया भी ब्रिटेन का गुलाम ही था। तो ब्रिटेन से मुक्ति के लिए भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसी पर पूरा चैप्टर आधारित रहने वाला है, यानी कि महात्मा गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूम रहा होगा। तो आगे हम महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही डीपली बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें हम सबसे पहले प्रथम विश्वयुद्ध की बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रथम विश्वयुद्ध हुआ था वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। इसमें दो गुटों के बीच में ये जो युद्ध था वो दो गुटों के बीच में हुआ था, एक तरफ केंद्रीय शक्तियाँ थी, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जिसको हम तुर्की भी बोलते हैं, ये तीन देश इसमें थे। दूसरी तरफ हम बात करें मित्र राष्ट्र की, तो मित्र राष्ट्र के जो प्रमुख देश थे उसमें ब्रिटेन, रशिया, जापान, फ्रांस और बाद में 1917 में जो आपका यूएसए है यानी कि अमेरिका है, वो भी इसमें शामिल हो गया था। तो इन दोनों महाशक्ति कह रहा दोनों गुटों के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। ठीक है, अगर इस युद्ध की हम बात करें तो 9 करोड़ सिपाही जो थे इस युद्ध में मारे गए थे, 9 करोड़ सिपाही आप संख्या लगा सकते हैं। इसके अलावा 1.3 करोड़ जो नागरिक थे उनकी जान इस विश्वयुद्ध में चली गई थी। तो ये आपका प्रथम विश्वयुद्ध के बारे में हो गया। अब देखिए प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव क्या रहा, भारत के ऊपर इस विश्वयुद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए भारत ने इस युद्ध में अंग्रेजों का तन मन और धन सभी रूप से क्या किया, सहायता किया था हमने, ठीक है, लेकिन फिर भी हम भारतीयों को कुछ नहीं मिला। हमें मतलब एक उम्मीद था कि भाई हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें फिर से अपना मतलब देश जो है आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पूरे देश में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया और जो भी लोग मतलब जो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, मतलब जो रक्षा व्यय था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने किया गया जो जनता है जनता पर कर बढ़ा दिया अंग्रेजों ने, मतलब लोगों को किसानों से ही कहीं ना कहीं वो कर लेने वाले थे, तो क्या हुआ टैक्स बढ़ा दिया गया। इसके अलावा सीमा शुल्क तथा आयकर में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। ठीक है, 1913 से अगर 18 के बीच की अगर हम बात करें तो भारतीय बाजारों में वस्तुओं की कीमत आसमान को छू रही थी, मतलब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। युद्ध के समय सेना में लोगों को जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी, जो भारतीय लोग हैं उनको जबरन सेना में भर्ती कर दी जा रही थी, जिस कारण भी जो ग्रामीण क्षेत्र के खास करके जो लोग थे वो नाराज थे। इसी दौरान अगर हम 1920 और 21 की बात की मतलब ये समय काल की अगर हम बात करें तो भयंकर अकाल पड़ी भारत में, है ना, भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मरे और अगर हम मरने वालों की संख्या की बात करें तो 120 से लेके 130 लाख लोग मारे गए थे अनुमानित है। ठीक है, तो लोगों को उम्मीद थी कि भाई युद्ध खत्म होगा और उसके बाद मतलब हम इन सभी मुसीबतों से निजात पा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम विश्वयुद्ध की पूरी घटना और उसका जो प्रभाव रहा उसके बारे में हमने समझ लिया है। सत्याग्रह का विचार, देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह का मतलब यह है कि आपका उद्देश्य अगर बिल्कुल सच्चा है ना, और न्यायपूर्ण है मतलब बिल्कुल सही है, तो कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, यही सत्याग्रह का विचार है। और इस विचार का इस्तेमाल सबसे पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 था, गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी जो कि दीवान थे, उस समय राजकोट रियासत जो थी वहाँ के दीवान थे, मतलब बहुत बड़े अधिकारी थे, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, इनके अगर माता की बात करें पुतलीबाई, इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, आप देखिए इन्होंने तो भाई स्टार्टिंग की जो स्टडी है वो भारत में किया था, उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन भी गए थे
और उसके बाद उनको काम करने के लिए या फिर और ज़्यादा स्टडी करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका भी गए, ठीक है, क्योंकि उनको भारत में कोई काम नहीं मिल रहा था शायद ये, तो इस वजह से वो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, 20 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे वो। तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महान बनाया। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं वो, है ना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक घटना घटी, हुआ क्या कि उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रेन की जो बोगी है उसका टिकट ले रखा था उन्होंने, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रहे थे। तो एक ब्रिटिश सिपाही आया, क्योंकि वहाँ पर रंग भेद उस समय बहुत ज़्यादा होता था और वहाँ पर ब्रिटेन का ही कब्जा था, ब्रिटेन का ही अधिकार था। तो महात्मा गांधी के पास आते हैं वो और महात्मा गांधी को निकाल देते हैं, ट्रेन की बोगी से धक्का मार के भगा देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को भाई गुस्सा चढ़ा, मतलब भाई किसी भी व्यक्ति को ऐसे यार अपमान करोगे भाई सिर्फ इस आधार पे कि भाई वो रंग में मतलब काले हैं और इस आधार पे आप इतना ज़्यादा भेदभाव कर रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है आप को बुरा लगेगा ही लगेगा। महात्मा गांधी को भी लगा। महात्मा गांधी ने उसी समय सोचा कि भाई अंग्रेजों तुमने मेरे को ना इस ट्रेन की बोगी से निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किया दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, और काफ़ी ज़्यादा वो कारगर भी सिद्ध हुआ। उसके बाद 20 वर्ष लगभग वहाँ पे बिताने के बाद 1915 में भारत दौड़ते हैं। तो वहाँ पे भारत में मतलब उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सलाह दिया कि भाई आप क्या करो, पूरे देश का दौरा करो, आप भारत के बारे में जानो, भारत के लोगों की समस्याओं को जानो, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, एक साल तक तो पूरे भारत का दौरा किया। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में भी उन्होंने सत्याग्रह चलाया, उनका जो पहला कदम था, पहला जो सत्याग्रह भारत में चलाया गया था वो चंपारण सत्याग्रह था। अब ये चंपारण है क्या, देखिए मतलब चंपारण एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है, ठीक है। तो चंपारण से कुछ किसान आते हैं महात्मा गांधी के पास और वो बोलते हैं कि भाई जो अंग्रेज है ना हमसे जबरन नील की खेती करवाते हैं, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने से क्या होगा भाई, ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने बोला ठीक है भाई, हमें तो अंग्रेजों के खिलाफ आप कदम उठाना चाहिए, ये ज़बरदस्ती कैसे हमारे किसानों से नील की खेती करवा सकते हैं। तो पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में चलाया था नील की खेती के खिलाफ। उसके बाद इसी साल खेड़ा में किसान सत्याग्रह हुआ था 1917 में, क्योंकि फसल खराब हो गया था, फसल चौपट होने की वजह से किसान जो है वो टैक्स नहीं दे सकते थे अंग्रेजों को, तो टैक्स कहीं ना कहीं माफ़ करवाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा जो है गुजरात में। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, ठीक है, अहमदाबाद भी आपको पता है गुजरात में है, और ये मिल मजदूर सत्याग्रह था, मतलब जो हमारे मिल में जो काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, उनके लिए एक तो भाई सैलरी बढ़ाई जाए उनकी, और उनके लिए बेहतर स्थिति की भी डिमांड की गई थी कि भाई बहुत ही ख़राब हालात में उनसे काम लिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा। तो महात्मा गांधी ने डिमांड किया कि भाई उनसे मतलब कहीं ना कहीं जो मिल में जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, ठीक है। तो ये तीन सत्याग्रह स्टार्टिंग के सत्याग्रह थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के। सो दोस्तों, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए 2 सालों के लिए जेल में बंद किया जा सकता था, और इस एक्ट के तहत जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। और एक और बात आप जान लें कि इस एक्ट को जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसके जो हमारे भारतीय सदस्य थे, उन्होंने इस एक्ट को मानने से मना कर दिया था, है ना, इस एक्ट को लागू करने से मना कर दिया था, उसके बावजूद भी जबरन इस रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था भारत में, और बहुत सारे लोगों को बंदी बना दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने कोशिश किया कि भाई इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत की, और इसकी जो शुरुआत है वो 6 अप्रैल 1919 को हुई एक हड़ताल के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया भाई, रैली का आयोजन किया गया, बहुत सारी जगह पर जुलूस निकाले गए, रेलवे वर्कशॉप में जो कारगर जो मतलब कामगार जो थे वो जो काम कर रहे थे उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया, दुकानें जो थी वो बंद कर दी गई। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि भाई अंग्रेज़ों को डर सताने लग गया, और उन्होंने क्या किया, जो हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे उनका दमन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अमृतसर में बहुत सारे स्थानों पर जो नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, पकड़ के उनको रियासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में जाने के ऊपर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। अब इसके बाद क्या होना था भाई, जाहिर सी बात है कि हमारे जो भारत के लोग थे और ज़्यादा गुस्से में आए, है ना, बैंक जो है, डाकखाने हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ही हमले होने लगे। पूरे इलाके में क्या किया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ में क्या होता है कि शक के आधार पर आप सीधा क्या कर सकते हो, सामने वाले व्यक्ति को शूट कर सकते हो, और छोटे मोटे ब्रिटिश सिपाहियों को भी ये हक था कि वो विद्रोह करने वाले व्यक्ति को या आंदोलन करने वाले व्यक्ति को सजाए मौत दे सकते थे। ये मार्शल लॉ के अंतर्गत
प्रावधान था। तो मार्शल लॉ लागू करने के बाद जो कमान जो था वो किसने संभाला, जनरल डायर ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 13 अप्रैल को पंजाब में एक जगह है अमृतसर, अमृतसर में मतलब एक जगह था जलियावाला बाग। ठीक है, तो जलियावाला बाग में क्या होता है, वहाँ पे जो ग्राउंड होता है वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ना रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध भी कर रहे थे, उसकी योजना भी बना रहे थे। तो इस बात का पता जब जनरल डायर को लगता है तो वो जाता है वहाँ पे, और वो क्योंकि पूरे एरिया में मार्शल लॉ लागू था, लेकिन वहाँ के लोगों को यह बात मालूम नहीं था कि भाई पूरे एरिया में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी एंट्री गेट थे जलियावाला बाग के जो मैदान था, एंट्री गेट को उसने बंद किया और अपने सारे सिपाहियों को ये अनुमति दी कि वो क्या करें, इनको शूट करना शुरू कर दिया। और उसके जो सिपाही थे अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कई सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, वो मारे गए। अब देखिए जैसे ही जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे जगह पे लोग जो थे सड़कों पे आ गए, हड़ताल शुरू हो गई, लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, पुलिस के खिलाफ मतलब आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो सरकारी इमारतें थी उसमें आग लगा दी गई, लेकिन सरकार ने इन सभी कार्यवाहियों को बहुत ही निर्ममतापूर्ण तरीके से कुचल दिया। ठीक है, सरकार ने इन लोगों को अपमानित किया, आतंकित किया, और जो भी सत्याग्रही थे उनकी उनको मतलब एक तरीके से नाक रगड़वाते थे उनसे। ठीक है, सड़कों पर घिसेट घिसट घिसट के उनको लेके जाते थे मारते हुए, और उनसे साहिब को सलाम करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं मजबूर करते, जितने भी जो ब्रिटिश अफसर हैं उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया करते थे, लोगों को मतलब कोरे मरवाते थे वो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इन सभी स्थिति को देखते हुए, इन सभी हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया था उसको उन्होंने फौरन वापिस ले लिया। तो ये तो आपका हो गया रॉलेट एक्ट के बारे में। अब हम इसी में खिलाफत आंदोलन की भी बात कर लेते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था, तो महात्मा गांधी को मालूम था कि छोटे मोटे सत्याग्रह चलाने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, अब वो एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाले थे जिसको हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं, जिसके बारे में अगली वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जब चले तो उसमें हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, एक हो जाए। तो इसी दौरान 1919 के आसपास ही भारत में जो खिलाफत आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी। अब ये खिलाफत आंदोलन है क्या और ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था, तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो यहाँ पे तुर्की भी इसमें शामिल था, और ब्रिटेन ने क्या किया था, तुर्की को हरा दिया था, तुर्की पे अधिकार जमा लिया था ब्रिटेन ने। ठीक है, अब तुर्की में जो खलीफा थे, वहाँ के जो शासक होते हैं उनको खलीफा बोला जाता है, और खलीफा यानी कि धार्मिक नेता, ये पूरे इस्लामी जगत के धार्मिक नेता होते हैं। अब ब्रिटेन ने जब वहाँ पे कब्जा किया तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, वहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो इस कारणवश जो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, किसके नेतृत्व में, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है वो 1919 में हुई थी। मोहम्मद अली, सौगत अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ये सारे नेता लोगों ने मिल के इसकी शुरुआत की थी। अब जो हमारे महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग के साथ मिलाया जाए, है ना, क्योंकि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो चलेगा वो हिंदुओं का आंदोलन था। हिंदुओं को क्या चाहिए, स्वराज, और जो खिलाफत आंदोलन है उनको उनको क्या चाहिए, खिलाफत आंदोलन के माध्यम से जो खलीफा के जो पद है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए, है ना, खलीफा को दोबारा से अधिकार दिया जाए, ये चाहते थे। तो इस तरीके से खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ मिलाया ताकि हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, एक हो जाए। असहयोग आंदोलन के मतलब को हम समझते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, 1909 में लिखा था इन्होंने इस पुस्तक को, और हिंद स्वराज में उन्होंने एक बात कही थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस वजह से कायम है क्योंकि हम भारत के लोग उनके काम में सहयोग करते हैं, उनके हर एक काम में हम क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं जब ही तक भारत में ब्रिटिश राज टिका हुआ है। जैसे ही हम उनके काम में सहयोग करना बंद कर देंगे, उनको हम हेल्प करना बंद कर देंगे, अपने आप ब्रिटिश राज भारत से ख़त्म हो जाना है, अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने कही और वास्तव में भी ऐसा ही था, क्योंकि भारत में सही में ब्रिटिश राज हमारे वजह से ही तो कायम था ना यार। हम खेती कर रहे हैं अंग्रेज़ों को, हम टैक्स दे रहे हैं अंग्रेज़ों को, है ना, हम अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों में हम जाके पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे वजह से तो ही वो भारत में अपनी शासन व्यवस्था को चला पा रहे हैं। अगर हम उनको सहयोगी करना बंद कर देंगे तो क्या भारत में वो शासन चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला कि 2 साल तक अगर हम असहयोग आंदोलन को सही से चला लेते हैं तो भारत आज़ाद हो जाएगा। यानी कि 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1922 के आखिरी तक ये टारगेट रखा गया था कि भारत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है,
अब इस आंदोलन के कुछ कार्यक्रम महात्मा गांधी ने तय किए थे, जैसे कि विदेशी माल का बहिष्कार करना, है ना, स्वदेशी माल का उपयोग करना, उपाधियों का त्याग कर देना, वकीलों से कहा गया वकालत करना छोड़ दिए, जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ के जो अध्यापक हैं उनको बोला गया कि वहाँ पे वो ना पढ़ाए, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये अपील की गई कि भाई वो अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने ना जाए, ठीक है। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा जो सैनिक है, क्लर्क है, मजदूर है, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो ये कार्यक्रम इसके थे, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे, ठीक है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन की विभिन्न धारणाएं थी। जो ये आंदोलन फैला वो अलग अलग टाइम पीरियड में फैल रहा था और अलग अलग जगह पे फैल रहा था। शहरी क्षेत्र में कुछ अलग कार्यक्रम थे, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी क्या स्थिति थी उसकी हम बात करेंगे, बगानों में जो काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी क्या दलील थी, वो किस नज़र से इस आंदोलन को देखते थे, उसको भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं, जिसमें हम टॉपिक नंबर 2.1 की बात करने वाले हैं, शहरों में आंदोलन, यानी कि शहरों में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। देखिए, शहरों की अगर हम आंदोलन की बात करें, शहरों में मध्यम वर्ग ने क्या किया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। जो मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। जो हेडमास्टर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके आर्थिक प्रभाव को देखें तो आर्थिक प्रभाव ज़्यादा थे। विदेशी सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया, है ना, जगह जगह पे, कोने कोने पे जो विदेशी जो सामान थे उसकी होली जलाई गई, होलिका जलाई गई, ठीक है। 1921 से 22 के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया था, मतलब जो विदेशों से, आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मशीनीकरण के मशीनों से बने हुए सामान को भारत में ला के बेचते थे, जो कि बहुत ही सस्ता होता था, और इस वजह से हमारे जो शिल्पकार थे, जो हाथों से चीज़ों को बनाते थे, वो बेरोज़गार हो गए थे, है ना। तो अभी असहयोग आंदोलन की वजह से लगभग जो विदेशी कपड़ों का जो आया था वो आधा हो गया था, है ना। बहुत सारे स्थानों पे जो व्यापारी थे, व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से मना कर दिया, या फिर विदेशी व्यापार में धन लगाने से मना कर दिया उन्होंने। विदेशों से आयात होने वाले कपड़ों की कीमत लगभग अगर हम बात करें 102 करोड़ से घटकर मात्र 57 करोड़ रह गई थी, ठीक है। विदेशी माल के बहिष्कार के कारण क्या हुआ, भारत में एक बार फिर से कुटीर उद्योग ने अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया। जो हस्तकला उद्योग है उसने अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया और जो हमारे हस्त जो शिल्पकार थे उनकी स्थिति भी अच्छी हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम 1921 के बाद की अगर बात करें तो धीरे धीरे शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लग जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि भारत में जो खादी कपड़ा है ना, जो हाथों से बने जो तैयार जो कपड़े हैं और जो ब्रिटेन से जो मशीनों से बने हुए जो कपड़े आ रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि हाथों से बनाया जा रहा है तो ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और जो मशीनों से बन के आ रहे हैं भाई वो ज़्यादा सस्ता होगा। तो इस वजह से भारत में जो हमारा भारतीय कपड़े के बढ़ावा देने के लिए जो आंदोलन चला था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, ठीक है, ज़्यादा फायदा नहीं दे पाया ये। इसके अलावा जो ब्रिटिश संस्थान का बहिष्कार किया जा रहा था, जैसे कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा रहे थे, हेडमास्टरों ने क्या किया, वहाँ पे पढ़ाने से मना कर दिया, या फिर वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया, वो कब तक भाई बेरोज़गार रहेंगे वो, है ना। अब वो ब्रिटिश संस्थान है, हमें क्या करना चाहिए था उस समय, भारतीय संस्थान भी बनाने चाहिए थे, हमें अपने खुद के स्कूल कॉलेज खुलवाने चाहिए थे, खुद के न्यायालय खुलवाने चाहिए थे, है ना, ये काम हमने नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि दोबारा से क्या हुआ, जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, शिक्षकों ने क्या किया भाई, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कितने समय तक वो बेरोजगार रहेंगे। तो इस वजह से शहरी क्षेत्र में आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। टॉपिक नंबर 2.2 की अब हम बात करते हैं, जिसमें हम ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की बात करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में कितना ज्यादा प्रभाव दिखा पाया उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो भाई शहर से शुरू हुआ आंदोलन, धीरे धीरे गांव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और गांव के किसान, गांव के आदिवासी भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक अवध की हम बात करेंगे, अवध के एक सन्यासी थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, है ना। बाबा रामचंद्र ने क्या किया, किसानों का नेतृत्व किया और वो फिजी में गिरमिंडिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, गिरमिटिया मजदूर हम उन्हें बोलते हैं
जो कि एग्रीमेंट के तौर पे क्या करते हैं, मजदूर बन जाते हैं और कहीं बाहर जाके अंग्रेज उनसे काम लेते थे। तो फिजी जो है न्यूजीलैंड के आसपास पड़ता है। पहले क्या था कि इन गिरिम इंडिया मजदूरों को वेस्ट इंडीज लेके जाया जाता था, फिजी जैसे जगह पे ले गए और बाहर विदेशों में भेज दिया और उनसे काम करवाते थे। ठीक है, एग्रीमेंट के तौर पर एक एग्रीमेंट इनसे हस्ताक्षर करवा लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे नाम क्या बोला था मैंने, बाबा रामचंद्र, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, किसानों का नेतृत्व किया था। अब देखो इन्होंने किन चीज़ों का विरोध किया, ये इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे और इन्होंने किन चीज़ों का विरोध किया, तो उनका मानना यह था कि भाई जो ताल्लुकदार है, जमींदार है, वो क्या कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, है ना, लगातार बहुत समय से कर रहे हैं। और ये शोषक वर्ग जो है किसानों से भारी भरकम क्या करते हैं, कर वसूलते हैं, है ना, इसी वजह से वो उनका विरोध कर रहे थे। मजदूर किसानों की अपनी भूमि नहीं होती थी, उन्हें पट्टे पर जमीन मिलती थी और वे भी कभी कभी छीन ली जाती थी। मतलब कि उनका मानना यह था कि भाई किसानों को कभी उनकी खुद की जमीन मिली ही नहीं, बल्कि जमींदार क्या करते थे, उनके जमीन पे अधिकार जता रखे थे और उन्हीं को वो क्या करते थे, पट्टे के तौर पे दे देते थे कि भाई तू इस पे काम कर, आधा उपज मेरे को दे दियो, आधा उपज खुद रख लियो। इस तरीके से जमींदारों और ताल्लुकदारों का विरोध करने के लिए गरीब वर्ग ने उनको अपनी सेवा देनी बंद कर दी, जैसे कि नाई, धोबी और बढ़ई। मतलब कि जमींदार ताल्लुकदार है उनको गरीबों ने क्या किया, भाई सेवा ही देना बंद कर दिया कि भाई हम आपको अपनी सेवा देंगे नहीं। इस क्षेत्र में विरोध का प्रमुख कारण अधिक लगान था और बेगार प्रथा। बेगार प्रथा में क्या होता है कि भाई काम करवा लिए, आपको कोई पैसे ही नहीं दिए, तो इस वजह से अवध के जो किसान थे, आदिवासी थे, उनका विरोध कर रहे थे, खास करके जमींदारों का, ताल्लुकदारों का। ठीक है, ताल्लुकदार भी जमींदारों के कैटेगरी में ही कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बाबा रामचंद्र की हमने बात कर ली। अब देखिए 1921 में जब आंदोलन फैला, है ना, तो आंदोलन के फैलने के साथ ही क्या हुआ, ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले किए गए, बाजारों को लूट लिया गया, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे जो स्थानीय नेता थे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अब हमें कोई लगान नहीं भरना, है ना, और जमीन जितने भी जमींदारों की जमीन है वो ले लिया जाएगा उनसे और वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो पूरे इलाके में कार्रवाई शुरू हो गई जमींदारों के खिलाफ, ताल्लुकदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम यहाँ पे आदिवासियों की बात करते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की, हम गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों की बात करेंगे, जिन्होंने क्या किया था, 1920 से ही गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया था। अब ये गुरिल्ला युद्ध आदिवासियों ने क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि 1905 में ही अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसको हम वन्य कानून भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत व्यवस्था ये थी कि 2/3 वन को आरक्षित वन में बदला जाएगा, मतलब बदल दिया गया एक तरीके से, जहाँ पे 2/3, मतलब कि 3 में से 2 हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे ना तो कोई आदिवासी जा सकते थे, गांव वाले, मतलब गांव में जो रहने वाले लोग थे, ना जंगलों में जा सकते थे, ना ही लकड़ियाँ काट सकते थे, ना उनके जो जानवर है वहाँ पे चढ़ने जा सकते थे। ये बहुत ही बेकार प्रथा थी। और इसके अलावा जो एक हिस्सा बचा, 3 में से 1 हिस्सा, उसमें भी अगर वो वन में अगर लकड़ी लेने जाएंगे, वनों को काटने जाएंगे, तो अंग्रेजों के लिए उनको वनों की कटाई बिल्कुल मुफ्त में करनी होगी, फ्री में करनी होगी। ठीक है, उसको ढोके लाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और उसके बदले उनको कोई भी पैसे नहीं मिलता था, मतलब कि बेगार मजदूरी उनसे करवाई जाती थी, बेगार प्रथा भी इसको हम बोलते हैं, कि भाई उनसे काम भी लिया जाता था और उनको बदले में कुछ दिया भी नहीं जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध किया असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन भाई कांग्रेस पार्टी ने ऐसे हिंसा का खुलकर विरोध भी किया था। तो वनों में रहने वाले लोग थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे, उनका नेतृत्व किसने किया, तो उनका नेतृत्व करने वाला एक चमत्कारी व्यक्ति, जो अपने आप को चमत्कारी व्यक्ति बोलता था, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, अब अलू जो हमारे अल्लूरी सीताराम राजू थे, वो अपने आप को चमत्कारी व्यक्ति बताते थे और लोगों का विश्वास था कि भाई ये ना सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, मतलब कि खगोलीय अनुमान यानी कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वगैरह, अंतरिक्ष के बारे में इनको अच्छा खासा नॉलेज था। वह लोगों को हाथ लगाने मात्र से स्वस्थ कर देते थे, सारी बीमारियों को दूर कर देते थे। उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति को राइफल की गोलियां भी नहीं मार सकती थी, इतने ज़्यादा चमत्कार, भाई चमत्कार प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे कि अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया किसी व्यक्ति को तो राइफल से भी उसकी मौत नहीं हो सकती। उसे वन्य समाज के लोग ईश्वर का अवतार समझते थे, मतलब ईश्वर का रूप मानते थे वहाँ के लोग। वह गांधी के व्यक्तित्व तथा असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित भी थे। उन्होंने शराब तथा सामाजिक बुराइयों को त्यागने की बात भी कही थी। ठीक है,
तो गुडेम विद्रोहियों ने क्या किया, पुलिस थानों पर हमले किए, यहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारा, मारने की कोशिश भी की, है ना, गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1924 में क्या हुआ भाई, राजू जो थे उनको फांसी दे दी गई, जो हमारे अल्लूरी सीताराम राजू थे उनको फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी वो वहाँ के नायक बन के उभर के, मतलब फेमस नायक, लोक नायक बन के उभर के सामने आए। ठीक है, तो ये तो हमारे आदिवासी आंदोलन के बारे में हो गया। अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक को समझने वाले हैं, 2.3, बगानों में स्वराज। ठीक है, चलिए अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम असम के बगानी मजदूरों की बात करने वाले हैं, मतलब जो बगानों में काम करने वाले मजदूर थे उनकी स्थिति की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था 1859 में, जिसको हम इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत क्या था कि बगानों में काम करने वाले मजदूर अपने बिना अधिकारी के, जो उनके अधिकारी होते थे उनके मन, उनको मन, मतलब उनकी मंजूरी के वो बगान से बाहर नहीं जा सकते थे, अपने गांव में नहीं जा सकते थे, अपनी फैमिली वालों से नहीं मिल सकते थे। यही था इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट। तो जब असम के बगान में काम करने वाले मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना कि भाई असहयोग आंदोलन भारत में चल चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो उन्होंने भी क्या किया भाई, इस आंदोलन के तहत उन्होंने अपने अधिकारियों की बातों की अवहेलना करनी शुरू कर दी, अपने अधिकारियों की बातों का विरोध करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे मजदूर बगान को छोड़ के भाग गए। उनको लगा कि भाई गाँव जाएंगे, गाँव में उनको खुद की ज़मीनें मिल जाएगी, वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन बहुत सारे मजदूर भाई, क्योंकि उस समय रेल की हड़तालें भी चल रही थी, ट्रेन मिल नहीं पाया, पैदल यात्रा करते करते बहुत सारे लोग मतलब पकड़े गए, उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उनको उनको बहुत ज़्यादा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा। ठीक है, तो ये हमारे बगान मजदूरों की बात हो गई। अब देखिए, ये तो असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने बता दिया। अब 1922 में महात्मा गांधी ने एक और बात कही थी कि असहयोग आंदोलन 2 साल तक चलेगा, 1920 से लेकर 22 तक चलेगा, 2 से 2.5 3 साल तक चलेगा और भारत आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने ये भी बात कह दी कि भाई ये जो आंदोलन होगा पूरी तरीके से क्या होगा, अहिंसात्मक होगा, मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए, जैसे हिंसा हुआ मैं आंदोलन को वापस ले लूँगा। लेकिन ऐसा होता है। हम यहाँ पे बात करें 1922 की, तो यहाँ पे गोरखपुर में एक पुलिस थाना था, चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा पुरवा एक जगह का नाम है। तो चौरी चौरा में क्या होता है, कुछ किसानों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और उस अग्निकांड में लगभग 21 से 22 पुलिस वाले जल गए, जल के मर गए। इस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इस आंदोलन को निरस्त कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन की पूरी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो, दो ऐसे तत्व थे जिनकी वजह से 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की जो रूपरेखा थी वो फिर से बदलने वाली थी। पहला तो ये कि भाई इस समय क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी चल रहा था, है ना, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की स्थिति थी। इसी के साथ साथ कृषि उत्पादों की जो मांग थी वो लगातार गिरती जा रही थी, निर्यात कम होने लगा था, किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा था। 1930 तक अगर हम बात करें, ग्रामीण इलाके की बात करें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल का माहौल था, मतलब चीज़ें सही नहीं चल रही थी। लेकिन इसी समय के आसपास की हम बात करें तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। साइमन कमीशन क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब तो देखिए, भारत में संविधान का निर्माण चल रहा था उस समय, 1900 मैं बात करूँ 1928 की आसपास की बात कर रहा हूँ। तो संविधान की जो कार्यशैली है उसकी देख रेख के लिए ब्रिटेन से एक कमीशन भारत में भेजा गया, जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, इन्हीं के नाम भी साइमन कमीशन का नाम रखा गया था। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया था और इसके 7 सदस्य थे। इसकी कमी क्या थी कि इसके 7 सदस्य जो थे वो सातों के सातों ब्रिटिश मूल के थे, अंग्रेज थे। तो इस वजह से इस कमीशन का भारत में बहुत जोरों शोरों से विरोध होता है और 1928 में नारे भी लगते हैं, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। और खास करके जो हमारे पंजाब वाले जो प्रांत हैं वहाँ पे क्या होता है कि लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे होते हैं उसी समय उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लाठी चार्ज कर देते हैं पुलिस वाले, जिस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंसा होता है। अब ये जो विरोध, अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, इसको शांत करने के लिए जो समय के हमारे वायसराय थे लॉर्ड इरविन की मैं बात करता हूँ, उन्होंने क्या किया, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। अब ये डोमिनियन स्टेट है क्या, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था कि भारत जो है वो ब्रिटिश के अधीन ही रहेगा, लेकिन यहाँ की आंतरिक शासन व्यवस्था को हम क्या करेंगे, भारतीय लोगों को सौंप देंगे, लेकिन ये रहेगा ब्रिटेन के अधीन ही। ठीक है, ये डोमिनियन स्टेट था, तो इसका ऐलान कर दिया था, मतलब भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए कि भाई भारत के लोग खुश हो जाए। इसी के साथ
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं, ज्यादा विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रस्ताव से क्या था कि कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे, है ना, खास करके जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, तो इनके नेतृत्व में जो कांग्रेस का जो खेमा था बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर अपना रखा था। कुछ उदारवादी और कुछ मध्यवर्गीय जो थे उससे इस डोमिनियन जो हमारा डोमिनियन स्टेट का जो ऐलान किया गया था उससे संतुष्ट थे, है ना। देखो दिसंबर 1929 में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर में अधिवेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग को मान लेते हैं, सभी नेता मान लेते हैं कि हाँ भाई भारत को पूर्ण स्वराज हमें दिलाना है। और 26 जनवरी 1930 को हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते थे, हर वर्ष 26 जनवरी को हम मनाते थे स्वतंत्रता दिवस। वो तो अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त को आज़ादी दे दी, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, नहीं तो उससे पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। ठीक है, आई होप अभी तक की चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे 3.1 जो हमारा टॉपिक है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमक कानून के बारे में, थोड़ा सा नमक कानून को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों ने एक कानून लाया था जिसके तहत वो क्या था कि समुद्र किनारे जितने भी नमक बनेगा ना वो अंग्रेज बनाएंगे, यानी कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, और उसको बेचने का भी हक किसको होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। इसको नमक कानून कहा जाता था। अब महात्मा गांधी को ये बात मालूम था, या हमें भी भाई हम भी समझ सकते हैं कि नमक हर घर की जरूरत है, नमक के बिना आपके घर में सब्जियां नहीं बन सकती, बहुत सारी चीज़ें नहीं बन सकती। और नमक कानून की वजह से क्या था कि ब्रिटिश सरकार बहुत ऊंचे दाम पे नमक को मार्केट में बेचती थी, है ना। तो महात्मा गांधी को ये बात मालूम था कि भाई देश को एकजुट करने के लिए नमक जो है एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में नमक को लिया जा सकता है। अब 31 जनवरी 1930 को क्या होता है, महात्मा गांधी ने वायसराय जो हमारे थे लॉर्ड इरविन, उनको एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, जिसमें से एक सामान्य मांग थी, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके, और इससे क्या होगा कि नमक कानून को हम खत्म कर सके, है ना। तो वैसे इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो नमक कर को खत्म करने की थी, जो नमक के ऊपर अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखा था उसको खत्म करने की। तो महात्मा गांधी जी का जो ये खत था, ये जो पत्र था, एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने मतलब लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, 11 मार्च 1930 तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे लॉर्ड इरविन थे वो झुकने को तैयार नहीं थे, तो इस वजह से महात्मा गांधी क्या करते हैं, नमक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम नमक यात्रा को समझते हैं, क्या था नमक यात्रा। देखिए, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत मात्र 78 वॉलंटियर्स जो उनके थे, जो उनके स्वयंसेवी थे, उनके साथ शुरू किया था। साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था ये यात्रा। ठीक है, ये जो पूरा यात्रा था 240 किलोमीटर दूरी उनको तय करनी थी, और उनको साबरमती आश्रम, जिसको हम गांधी आश्रम भी बोलते हैं, वहां से उनको दांडी पहुंचना था, है ना। पूरी यात्रा की अगर हम बात करें तो 24 दिन लग गया इस यात्रा को तय करने में। रोज 10 मील की दूरी तय करते थे महात्मा गांधी। होता क्या, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, और वहां समुद्र किनारे पानी उबालकर नमक बनाकर वो नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। ठीक है, तो ये नमक यात्रा है। और मैं आपको बता दूं, जब महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत की थी ना, तो दूसरे या तीसरे दिन ही वो चक्कर खा के गिर गए थे। और एक अमेरिका की एक पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम्स नामक पत्रिका ने लिखा कि ये मकड़े जैसे कद काटने का बंदा क्या इतनी दूरी, मतलब 240 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, वो भी पैदल। और उस समय उनके साथ कोई ज्यादा लोगों का सपोर्ट भी नहीं था। लेकिन चौथे दिन महात्मा गांधी फिर से चलना शुरू करते हैं, और जिस गांव से जाते हैं वो, जिस बस्ती से निकलते हैं, जिस कस्बे से निकलते हैं, वहां से बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े सब उनके साथ आ मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी महात्मा गांधी की पावर। तो ये नमक यात्रा के बारे में हो गया। अब बात करते हैं ये नमक जो सत्याग्रह है, इसका कार्यक्रम क्या रखा गया। या आपको पता है कि जैसे ही नमक कानून का उल्लंघन होता है, पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सविनय अवज्ञा यानी कि हमें अंग्रेजों की अवज्ञा नहीं माननी, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या रहे, कार्यक्रम ये रहा कि भाई हमें क्या करना है, मतलब आम नागरिकों से अपील की गई कि वो क्या करेंगी, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए उसका उल्लंघन करना शुरू कर देंगे, है ना। देश के अनेक भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। जितने भी सरकारी नमक कारखाने थे उसके सामने प्रदर्शन किए उन्होंने।
विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे, वहां से आने जाने का जो रास्ता उसको बंद कर देना, है ना। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे दे दिए। बहुत सारे जो मतलब जंगल में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो वन्य कानून जो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा उसको भी मानने से मना कर दिया। क्योंकि पहले क्या था कि भाई अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना रखा था कि जंगल की ये सीमा है, इस सीमा के भीतर ना जंगलवासी नहीं जा सकते हैं, उनके जानवर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब जंगलवासियों ने भी क्या किया, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अब हम आगे बढ़ते, देखिए 5 मार्च 1931 को क्या होता है, गांधी और जो महात्मा गांधी जी है और लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता होता है जिसको अक्सर हम गांधी इरविन समझौता भी कह देते हैं, है ना। इसमें क्या था कि गांधी जी ने मतलब ये सहमति जाहिर कर दी कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, जो कि 1931 में ही लंदन में होने वाला था गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था लेकिन असफल रहा, क्योंकि भारत के किसी भी नेता ने इसमें भाग नहीं लिया था, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए वो तैयार हो गए थे। अब देखो ये जो गांधी इरविन समझौता है उसमें एक बात और इसमें शर्त रखी गई थी कि सरकार क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, हमारे देश के जितने भी राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर देगी और साथ ही साथ समुद्र किनारे वो हमें नमक बनाने की अनुमति देगी, है ना। तो ये गांधी इरविन समझौते की बात हो गई। अब दिसंबर 1931 में जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लंदन गए, तो वहाँ पे उनको निराशा हाथ लगा, क्योंकि भारत के किसी भी नेता ने या फिर किसी भी राजा ने या जो खुद अम्बेडकर जी थे या फिर जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, सबने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया था। महात्मा गांधी का सपोर्ट किसी ने नहीं किया। इस वजह से वो वापिस आए और वापिस आने के बाद उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों की, क्योंकि जब वो भारत वापिस आए ब्रिटेन से, तब उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज जो है फिर से भारतीय लोगों का दमन करना शुरू कर दिया है। जो अब्दुल गफार खान थे, है ना, और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू थे, उनको जेल में बंद कर दिया था, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से लंदन से आने के बाद शुरू कर दी। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं 3.2, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, जिसमें हम समाज के अलग अलग वर्गों की बात करने वाले हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को किस रूप से लिया, इसमें क्या मतलब भूमिका निभाया उन लोगों ने, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संपन्न किसानों की बात कर लेते हैं, ऐसे किसान जिनकी स्थिति ठीक ठाक थी। तो गांव के जो संपन्न किसान समुदाय थे उन्होंने भाई इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, ठीक है। जैसे कि गुजरात के पटीदार की बात करें, यूपी के हम जाट की बात करें, तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा मतलब पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में दिखाया था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसलिए पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़ के, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई अंग्रेज उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो आंदोलन अगर सफल होता है तो उनको कर में छूट मिल जाएगी। लेकिन जब 1931 में लगान के घटे बिना इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उन लोगों को। तो जब 1932 में दोबारा से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया तो उसमें उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दूसरी तरफ अगर हम गरीब किसानों की बात करें तो उन्होंने भी ठीक ठाक मतलब भूमिका निभाया था इसमें, क्योंकि गरीब किसानों से भी भाई बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था। साथ ही साथ आपको पता है कि जो गरीब किसान थे वो जमींदारों के जमीन को भाड़े पर लेके खेती करते थे, है ना। तो जो भाड़ा चुकाना है उसमें भी उनको छूट मिलना चाहिए, उसकी भी माफ़ी होनी चाहिए, ये भी डिमांड करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो भाड़ा विरोधी आंदोलन जो चल रहा था ना, उसको सपोर्ट खुले तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही थी, सपोर्ट करने से हिचकिचा रही थी। तो मतलब गरीब किसानों को खुले तौर पर सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इस वजह से जो गरीब किसान है और जो कांग्रेस है उनके बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ हम अगर व्यापारिक वर्ग की बात कर लेते हैं तो जो व्यापारी वर्ग है हमारे देश का, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में मतलब ठीक ठाक पार्टिसिपेशन दिखाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत के जो बहुत सारे व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने मतलब भारी मुनाफा कमाया था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गए थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करना शुरू किया जिससे कि उनको नुकसान हो रहा था या उनके व्यापारिक गतिविधियों में एक तरीके से रुकावट आ रही थी। ये विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। अब आपको पता है कि भाई अंग्रेज क्या करते थे, भारत की जो वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, उसको निर्यात करके ले जाते थे और फिर ब्रिटेन से जो तैयार माल है उसको आयात करके भारत में बेच के मुनाफा कमा लेते थे वो। तो जो भारत के जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति, वो चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात से उनको सुरक्षा दी जाए। अब व्यापारिक गतिविधियों के हितों के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ संगठन भी बनाए, जैसे कि 1920 के भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की।
इसके अलावा 1927 में उन्होंने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का गठन किया। उन्होंने अपने लिए किया, अपने व्यापारिक गतिविधियों को फैलाने के लिए संगठन उन्होंने बनाए थे। अब देखो यहाँ पे हम कुछ फेमस बिजनेसमैन के नाम की बात कर लेते हैं जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और साथ ही साथ जी डी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का उन्होंने खुलकर विरोध किया था। देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया, जितने भी आंदोलन है आंदोलन को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया और आयातित वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने से इनकार कर दिया, तो ये इनका योगदान था। अब हम औद्योगिक श्रमिक वर्ग की बात कर लेते हैं, लेबर्स जो थे हमारे देश के, उन्होंने इस आंदोलन में क्या योगदान दिया। तो देखिए सिर्फ नागपुर के जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उन्होंने ही ज़्यादातर पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में दिखाया था, है ना। अब आपको पता है जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे वैसे ही मजदूर कांग्रेस से छिटकते जा रहे थे, मतलब कांग्रेस का उद्योगपतियों के प्रति जो लगाव था ज़्यादा था। फिर भी कुछ स्थानों पर जो हमारे मजदूर थे उन्होंने हड़तालें की थी, ठीक है, जैसे कि हम 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल की बात कर लें, 1932 में हम आपका जो गोदी कारखाना है ना, गोदी के जो जो कामगार थे उनकी हड़ताल की बात कर ले, तो इनकी विशेष भूमिका रही। इसके अलावा 1930 में छोटा नागपुर के जो टीन खानों के जो लोग हैं, जहाँ पे मतलब टीन वगैरह को निकाला जाता था जिन खदानों से, तो वहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने क्या किया, गांधी टोपी पहन के रैलियाँ निकाली, बहिष्कार आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया, ठीक है, मतलब बहिष्कार जो भी अभियान चल रहे थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी मजदूरों को सपोर्ट खुले तौर पर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो मजदूरों के सपोर्ट में जाएंगे तो जो उद्योगपति जो आंदोलन में आ रहे हैं वो दूर चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी से, तो इस वजह से वो सीधे तौर पर उनको अपनी मतलब जो मजदूरों की जो मांग थी उसको पूरा करने से हिचकिचा रही थी कांग्रेस पार्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने समझा कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को लेकर अलग अलग वर्गों के क्या विचार थे। अब इसी में हम दो और वर्गों की बात कर लेते हैं, एक तो जो औरतें हैं उनकी क्या भूमिका रही और साथ साथ जो दमित समुदाय है उनकी क्या भूमिका रही थी, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम औरतों की बात करें तो इस आंदोलन में औरतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान मतलब अपील करने पर हजारों की संख्या में औरतें उनकी बातों को सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी, उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, ठीक है, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की उन्होंने, तो इस तरीके से महिलाओं ने भूमिका निभाया, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई, है ना। शहरी इलाकों में अगर हम बात करें जो शहर की जो महिलाएं थी उसमें ऊंची जाति की जो महिलाएं थी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया था। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो जो संपन्न किसान परिवार की जो महिलाएं थी उन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। फिर भी औरतों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन उस समय देखने को नहीं मिलता है। खुद महात्मा गांधी ये मानते थे कि भाई महिलाओं को घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना, इसी भूमिका में उनको रहना चाहिए, है ना, असली कर्तव्य उनका यही है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक किसी भी औरत को मतलब कोई ऊंचे पद पे नहीं जगह मिल पाया था और कांग्रेस पार्टी उनको ऊंचा पद देने से हिचकिचा रही थी। सो प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सवर्ण अवज्ञा की सीमाएं, है ना। इसमें हम दो समुदाय की बात करने वाले हैं, ये हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3.3 है। इसमें हम दो समुदाय की बात करने वाले हैं जिन्होंने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, ठीक है। तो इसमें से एक तो हमारे जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनकी हम बात करेंगे और दूसरे हम मुस्लिम समुदाय की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दलित समुदाय की बात करें तो कांग्रेस ने भाई बहुत लंबे समय से ना दलित वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। इसके पीछे रीजन ये था कि कांग्रेस जो है वो जो रूढ़िवादी हिंदू सनातन पंथी जो लोग थे उनसे डरी हुई थी, जो कट्टर हिंदू थे खासकर ऊंची जाति के जो लोग थे उनसे डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम छुआछूत को, ये जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है ना, इसको हम खत्म नहीं करेंगे ना तो 100 साल तक भी भाई हम स्वराज नहीं ले पाएंगे, 100 साल तक भी हमें स्वराज नहीं मिल पाएगा। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों में मतलब जो अछूत लोग हैं उनको मंदिरों में प्रवेश के लिए, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी चलाया था महात्मा गांधी ने। और जो मैला ढोने वाले जो लोग थे उनके काम को प्रतिष्ठापूर्ण काम बताया, और बल्कि वो खुद क्या करते थे, इनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए खुद अपने शौचालय की सफाई किया करते थे। परंतु बहुत सारे दलित नेता जो थे वो चाहते थे कि भाई उनके लिए पृथक
निर्वाचिका की स्थापना की जाए, पृथक चुनाव क्षेत्र की स्थापना की जाए। पृथक चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग लीडर्स को चुनते हैं, जैसे कि मुस्लिम अपने अलग लीडर्स चुन लेंगे, जो हमारे जो दलित वर्ग है अपने लिए अलग, दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं अपने अलग अलग लीडर्स चुन लेंगे। तो इससे क्या हो जाने वाला था भाई, भारत, अखंड भारत की स्थापना हो सकती थी? नहीं होता भाई, पूरा भारत बिखर जाने वाला था। तो महात्मा गांधी तो शुरू से ही पृथक निर्वाचिका के खिलाफ ही थे। तो जो भी दलित नेता जो थी, जो हरिजन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका कहना यह था कि भाई जो सामाजिक अपंगता जो उनके अंदर आई हुई है, उसको राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर किया जा सकता है। मतलब उनके पास अगर पॉलिटिकल पावर होगा ना, तभी जाके वो अपनी अपंगता को दूर कर पाएंगे, और इसके लिए वो पृथक निर्वाचिका को सपोर्ट कर रहे थे। और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता पृथक निर्वाचिका के खिलाफ में थे। तो इस वजह से जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने सविनय आंदोलन में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, अब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि दलित वर्गों के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में हमारे अम्बेडकर जी थे। और उन्होंने क्या किया था, 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, ठीक है, में संगठित किया था। एक तरीके संगठन टाइप इन्होंने बनाया था दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर। दूसरे गोल में सम्मेलन में गांधी जी के साथ बहुत खतरनाक बहस हो गई थी इनकी, ठीक है, दूसरे गोल में सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 1931 में हुआ था। तो इनके बीच में विवाद हुआ था क्योंकि पृथक निर्वाचिका के सपोर्ट में थे। तो स्टार्टिंग में अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था दलितों के लिए किया जाए, लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, और इस वजह से वो अमरन अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अमरन अनशन पे बैठ जाते हैं। और उनका मानना यह था कि भाई पृथक निर्वाचिका जो है वो राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से धीमा कर देगा, एकीकरण की प्रक्रिया को खत्म कर देगा, है ना। तो आखिरकार क्या होता है कि अम्बेडकर जी भी गांधी जी की बात को मान लेते हैं और वो पृथक निर्वाचिका के मांग का त्याग कर देते हैं। और इसी बीच सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है महात्मा गांधी के बीच में और जो हमारे अम्बेडकर जी थे उनके बीच में। पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर होता है और इसके तहत जो प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद है या कह दो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सीटें आरक्षित कर दी जाती है, किसके लिए, दलित वर्गों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को भी समझ चुके होंगे। अब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय ने भी कोई खास दिलचस्पी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं लिया था। ठीक है, वैसे जैसे हम खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे थे या फिर हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे, तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता काफी ज्यादा थी। लेकिन 1920 के दशक के बाद से क्या होता है, भारत में कुछ हिंदूवादी संगठन ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, जैसे कि हिंदू महासभा है या फिर आरएसएस की बात कर लो। उन्होंने अपने संगठन के प्रचार प्रसार के लिए काफी ज्यादा कदम उठाए, है ना। और इस वजह से क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। कई जगह पे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे वगैरह भी देखने को मिलता है और इसी के तहत इनके बीच में फासला लगातार बढ़ता चला जाता है, है ना। अब अगर हम बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गठबंधन का प्रयास बाद में होता है, लगभग 1927 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो 1927 में ऐसा लगा कि ये फिर से क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारे मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस पार्टी है उनके बीच में एकता की स्थापना हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग के एक लीडर्स थे जिनकी कुछ डिमांड अलग ही टाइप की थी, जैसे कि हम मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पे हम बात जरूर करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड ये थी कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए। ठीक है, आरक्षित सीटें तो मिले ही मिले, साथ ही साथ जो भी मुस्लिम बहुल प्रांत है, जैसे कि बंगाल है या पंजाब है, ये मुस्लिम बहुल प्रांत है, वहां पे उनको उनकी आबादी के अनुपात में उनको सीटें मिल जाए, है ना। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सरकार मुसलमानों की बन जाती, तो ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था, है ना। और उसके बाद अगर मोहम्मद अली जिन्ना का मानना यह था कि अगर आरक्षित सीटें मिल जाती है केंद्रीय सभा में और साथ ही साथ पंजाब और बंगाल में अनुपात में, हमारे जनसंख्या के अनुपात में हमें सीटें मिल जाती है, तो हम पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ देंगे। लेकिन इस मांग का भाई जो एक नेता थे, हिंदू महासभा के एक लीडर थे जिनका नाम था एम आर जयकर ने क्या किया, इसका खुल के विरोध किया, खुलेआम निंदा कर दी, है ना। इस वजह से जो भी एकता कांग्रेस पार्टी के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में बनने वाली थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब मुसलमानों की चिंता क्या थी, मुसलमान भाई ये देख रहे थे कि हिंदू
भारत में क्या है, हिंदू बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक है, और इससे क्या होगा कि आगे जब सरकार बनेगी तो हिंदुओं की सरकार बनेगी और उसकी वजह से मुसलमानों की बातों को नहीं सुना जाएगा क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक रह जाएंगे, है ना। तो इस वजह से भी उन्होंने कोई खास दिलचस्पी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं दिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को भी आप लोग समझ गए होंगे। सो प्यार बच्चों, अब हम इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक की बात। तो सबसे आखिरी टॉपिक है हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव, मतलब कि जैसे हमारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उस समय अपनेपन की भावना को कैसे बढ़ावा दिया गया, सामूहिक अपनेपन की भावना को कैसे जागृत किया गया, उसको हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे संयुक्त संघर्ष। देखिए, जो हमने आंदोलन चलाया ना आज़ादी के लिए, वो सब एक संयुक्त संघर्ष था जिसमें हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, है ना। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी होती है जिसमें धर्म, जाति, वर्ग के लोग होते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, और ये भी चीज़ मतलब कहीं ना कहीं अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। इसके अलावा कई चित्र बनाए गए, चित्रों में जैसे कि हम भारत माता के चित्र की बात कर ले, तो भारत माता की अगर हम चित्र की बात करें तो यह लगभग 20वीं सदी के मतलब आसपास क्या है, एक छवि का रूप धारण कर लेता है। और यह जो तस्वीर थी वो सबसे पहली बार जो बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाई गई थी, और 1870 के दशक में उन्होंने क्या किया था, मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम भी लिखा था। और इस वंदे मातरम जो गीत है उसको उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया था। अब देखिए, ये जो गीत है उसको जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब उसको खूब गाया जाता था, वंदे मातरम जो गीत है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से जो अमेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया, भारत माता की एक विख्यात छवि चित्रित की। इसमें इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया जिसमें वो शांत है, गंभीर है, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी देखिए, इसके अलावा राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है झंडा, है ना, जिसमें से बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा बनाया गया था जो कि हरा, पीला और लाल रंग का था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र भी दर्शाया गया था, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे पहला झंडा हमारा ये था। उसके बाद 1921 तक महात्मा गांधी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और ये भी तिरंगा था, इसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग था, और आप देखेंगे कि मध्य में आपको दिख जाएगा चरखा, है ना, और चरखे को स्वावलंबिता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि स्वावलंबी है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अपने ऊपर निर्भर है, इस चीज़ का प्रतीक माना जाता है। आखिर में जो किया गया मतलब अपनेपन की भावना को उत्पन्न करने के लिए एक और तरीका होता है, वो है इतिहास की पुनर्व्याख्या करना या इतिहास का गुणगान करना। जैसे कि प्राचीन काल में बहुत शक्तिशाली सम्राट हुए या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, उसके थ्रू लोगों को जागृति करना, या फिर जो हमने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया, उन सब इतिहासों को दोबारा से जागृत करके लोगों के अंदर अपनेपन की भावना, एक तरीके का मोटिवेशन जगाना, ये सब भी एक तरीका होता है अपनेपन की भावना को बढ़ाने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी आपको बताए हैं आप समझ चुके होंगे, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर पूरी तरीके से महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा था। हमने ज़्यादातर चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाई क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो मतलब मुख्य लीडर के तौर पर हम देखते हैं वो महात्मा गांधी को ही देखते हैं। वैसे और भी बहुत सारे लीडर्स हुए लेकिन ज़्यादातर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चले जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया उसमें महात्मा गांधी का खासा योगदान था, है ना। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।